हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स बीपीएससी 65 अभी भी किया जा सकता है। ज्योग्राफी देख लिया, हिस्ट्री आप लोगों ने देख लिया, आज इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स कहां से पढ़े, कहां से और उसके अंदर क्या पढ़े, तो अंदर क्या पढ़े तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं आपको कि आपको कुछ बेसिक चीज़ों पर इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान देना है। जैसे स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते किसको हैं, जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, डिमांड क्या होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको जानना जरूरी है। आप समझ आपको होगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे GDP, सकल घरेलू उत्पाद, GNP, राष्ट्रीय निवल होता है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, GNP, उसी तरह से NNP, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, GDP, GNP, NNP, इनको एक बार आप लोग अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो दूसरा मेन बंच आता है वो होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, मंदी क्या होती है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझना जरूरी है। तीसरा आपको समझना क्या जरूरी है, वो है कि जैसे मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से लगातार BPSC क्वेश्चन पूछती है, लगातार। अब इस मनी एंड बैंकिंग में रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, प्राइम लैंडिंग दर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्स और रेपो रेट के तहत ऋण दिया जाता है, यानी लोन दिया जाता है बैंक को, वहीं पे उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन दिया जाता है बैंक रेट पे। तो बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सब क्या होता है, इसकी इंक्रीज करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक में, इसको डिक्रीज करने पे क्या पड़ता है इन्फ्लेशन पे असर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाननी है। उसके बाद रहा सवाल फैक्ट का, तो फैक्ट तो आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं एज यूजल, और फिर वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ें, और BPSC ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। और एक और पॉइंट मैं यही डिस्कस कर लूँ कि BPSC के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा मैक्सिमम एरिया आपसे करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा कि एक्सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, किस देश के साथ इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, या वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का क्या, मतलब इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सारी क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जाती है, और जो डिटेल है अभी हम लोग देखें। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले अगर बात करें कि इसके अंदर क्या क्या करना है, एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, खासकर BPSC के लिए, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, कितने प्रकार के इकोनॉमिक होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स, जैसे इंडिया है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था का आप कह सकते हो क्या होता है, मेल है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। उसी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, जहाँ पे मैक्सिमम जो होते हैं वो, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मेन इंपॉर्टेंस होता है, और अगर समाजवादी की बात करें तो वहाँ पे राज्य का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ ज़्यादा होती है। अब एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि पहले चाइना भी थी और सोवियत रूस भी था, बट सोवियत रूस जो था, यूनियन जब था उस समय तो था वो इकोनॉमी सोशलिस्ट, बट अब सोशलिस्ट कोई नहीं रहा, सब कैपिटलिस्ट ही है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, ये बात अलग है। और इंडिया भी अब मिक्स्ड कम है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लगभग देश की सब जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो वो, उसके बाद इकोनॉमी के कौन सा एरिया है, क्षेत्र, क्षेत्र में प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, तीन सेक्टर के बारे में सब जानते हैं, अब फोर्थ सेक्टर भी है और फाइव भी है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे प्राइमरी में एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस आता है, दूसरा जो सेकेंडरी है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, थर्ड जो है वहाँ सर्विस सेक्टर आ जाता है, फोर्थ भी सेक्टर डेवलप हो रहा है जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इन सब के बारे में जो बताते हैं, जहाँ पे खासकर KPO टाइप जो इंस्टीट्यूशन है वो फोर्थ में आ जाती है। और अगर फिफ्थ की बात करें तो पाँचवें में बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, डिसीजन मेकिंग लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं या बड़े कंपनी में CEO होते हैं, MD होते हैं, उनका जो यूनियन होगा वो फिफ्थ सेक्टर में आता है। तो तीन से भी सेक्टर बढ़ गया है, एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोज़गारी की बात करते हैं। गरीबी और बेरोज़गारी, तो यहाँ पर आपको देखना है कि अभी
1.90 डॉलर कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा गरीबी रेखा की जो सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा इंडिया में गरीबी रेखा का जो पैमाना है वो क्या है उसको भी देख लेना है, कितने परसेंट लोग गरीब हैं। उसके लिए जो अलग अलग कमेटी नियुक्त की गई थी तो उस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया वो भी देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि 15 to 59 ईयर के बीच के जो लोग होते हैं, 15 से 59 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं वो अगर काम नहीं करते तो उनको बेरोज़गार कहा जाता है, लेकिन 15 से कम और 59 से ज़्यादा जो है वो जो है वो बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं आते, एक्चुअली वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी न किसी पे, आश्रित हो जाते हैं, आश्रित जनसंख्या उनको कहा जाता है, किसी न किसी पे वो निर्भर हो जाते हैं, ठीक है, तो निर्भर हो जाते हैं, इसलिए उन वो अगर बेरोज़गार है काम नहीं कर रहे तो उनको बेरोज़गार नहीं कहा जाए, लेकिन 15 से 59 के बीच में अगर कोई है और वो रोज़गार नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से तो उसको बेरोज़गार कहा जाएगा। अब उसकी संख्या कितनी है, कितने प्रकार की बेरोज़गारी होती है, ये सारा इसके मतलब ये जैसे पूछ दिया जाएगा प्रछन्न बेरोज़गारी या इनविजिबल बेरोज़गारी कहाँ देखने को मिलती है या छिपी हुई बेरोज़गारी कहाँ देखने को मिलती है, अब वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे। तो बेरोज़गारी या डेवलप कंट्री के बेरोज़गार में बेरोज़गारी किस प्रकार की होती है, अनडेवलप्ड में किस प्रकार की होती है, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने बेरोज़गार हैं, जो सरकारी आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग कितने बेरोज़गार हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी होगी। अब सवाल उठता है मनी एंड बैंकिंग, ये बहुत बड़ा सेक्टर है इकोनॉमिक्स का, और बिहार के लिए खास करके बात करें तो मनी एंड बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या करना है, मनी एंड बैंकिंग अभी बाजार तो बाद में देखेंगे, तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर दो तरह का मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है एक मनी मार्केट होता है। तो मनी मार्केट का काम क्या है, कैपिटल मार्केट का क्या काम है, इसके अलावा आरबीआई को जरूर देखिएगा, आरबीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकरों का बैंक किसे कहते हैं या रिजर्व बैंक के काम क्या क्या हैं। अब जैसे ही आप मनी एंड बैंकिंग के अंदर आए, जैसे ही मनी एंड बैंकिंग के अंदर आएंगे आपसे कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, जैसे रिजर्व बैंक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है कमांड रखता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, या बैंक पे कमांड रखता है, ओपन मार्केट स्कीम क्या होता है इसको भी देख लेना है। अब ये सारे क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बेस रेट क्या है, उसके अलावा रेपो रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट क्या होता है, प्राइम लैंडिंग दर क्या है, ये सारा देखना है। CRR किसको कहते हैं और SLR क्या है, SLR और CRR में कौन सा बैंक के पास जमा होता है, कौन सा बैंक अपने पास रखती है, ये भी डिफरेंस देख लेना आप लोग। और इसके अलावा अगर देखना है तो फिर आप ये CRR कितना चल रहा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में कितना अंतर है, पहले एक परसेंट का अंतर हुआ करता था, अब 0.25% का अंतर है, तो ये भी ध्यान देना है, रिवर्स और रेपो रेट के बीच में 0.25% का अंतर है, रेपो रेट 0.25% ज़्यादा है और रिवर्स रेपो रेट 0.25% कम है। उसके बाद CRR और SLR कितना चल रहा है ये भी देखना है। जब आप इतना समझ लोगे तो आपको क्या देखना है कि ये जो CRR है, SLR है या बैंक रेट है, जब इसको बढ़ा दिया जाता है तो इन्फ्लेशन पे, लिक्विडिटी पर क्या असर पड़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, घटा देने पे क्या असर पड़ता है, ओपन मार्केट स्कीम के तहत रिजर्व बैंक क्या क्या स्टेप उठाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देखा, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक कौन कौन से स्टेप उठाती है, यहाँ ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि जब बैंक है, कोई भी बैंक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर में लोन देना है, कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना है और कितना परसेंट मार्जिनल एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना है, इस तरह के डाटा भी आपके पास होने चाहिए। किस तरह के विदेशी बैंक को भी प्राइमरी सेक्टर में कितना लोन देना है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बीमा सेक्टर, अगर बीमा सेक्टर की बात करें तो बीमा में आपको पढ़ना है कि कितने प्रकार के बीमा होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक तो जनरल इंश्योरेंस टाइप बीमा और लाइफ इंश्योरेंस टाइप बीमा यही पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इरडा की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है, इरडा की स्थापना कब हुई थी, उस क्यों किया गया था उसका स्थापना,
तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं होगा। अब उसके बाद आयोजना, आयोजना मतलब योजना, जो फाइव ईयर प्लान था उसके बारे में पूछा जाएगा। तो फाइव ईयर प्लान में पूछा जाएगा पहला किस पे आधारित है, एग्रीकल्चर को फोकस किया गया या बड़ी बड़ी कंपनियों को फोकस किया गया, दूसरा किस पर आधारित है, किसको फोकस ज़्यादा किया गया। तो यहाँ पे आयोजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो फाइव ईयर प्लान था, अभी तो हट के हट जाएगा, ये 15 ईयर का प्लान आ जाएगा। खैर, फाइव ईयर प्लान के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला किस पे डिपेंड था, जैसे हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरा किस पे था, महाबोलिस पे था, जहाँ पे भारी उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों को पे ध्यान दिया गया। यहीं पे पूछा ये भी जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन, जैसे बोकारो का जो स्टील प्लांट है वो किस पंचवर्षीय योजना में उसकी स्थापना की गई, इवन नवाड की कब की गई, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोलिंग प्लान हॉलीडे कब आया, तो और पूछे जाते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाने को लेकर सबसे फोकस्ड पंचवर्षीय योजना क्या था, तो जो पंचवर्षीय योजना से मुझे लगता है कि 30-40 ऐसे फैक्ट होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको आप लोग कर लेंगे तो पंचवर्षीय योजना का जो झमेला है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो रोलिंग प्लान क्या होता है, प्लान हॉलीडे क्या होता है, और किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा अलग कुछ किया गया, उसको देख लेना है। तो ये हो जाएगा। हाँ, जैसे क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी पूछे, चीन या पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, आपातकाल की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इन सब फैक्ट को मिला भी लेंगे ना तो 30-40 फैक्ट से ज़्यादा तैयार नहीं होगा, और वहाँ पे आप आराम से इसको, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप किसी भी एग्जामिनेशन में करने की स्थिति में होंगे। उसके बाद भुगतान एंड संतुलन, ये जो भुगतान एंड संतुलन है, तो जो भुगतान संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर दो होते हैं, एक तो चालू खाता और पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो होता ही है, उसके अलावा भुगतान संतुलन के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, जैसे इनविजिबल आइटम्स और विजिबल आइटम्स में से क्या, दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य में का, जैसे दृश्य मध्य में किसी भी वस्तुओं का आयात एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को विजिबल आइटम में रखते हैं, उसी तरह से सर्विस के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इनविजिबल में रखते हैं। जैसे कंप्यूटर एक एग्जांपल है, अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो वो आ जाएगा विजिबल आइटम में, लेकिन यही सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इनविजिबल आइटम में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको भुगतान संतुलन देखना है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इनविजिबल विजिबल पूछा जा सकता है, और पूंजी खाते में और चालू खाता जो है उस पर जो रुपए की परिवर्तनीयता है, पूर्ण परिवर्तनीयता रुपए की जो है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे पूंजी खाते, चालू खाते, करंट अकाउंट पे तो पूरी तरह से पैसे को कन्वर्टेबल बना दिया गया, मार्केट रेट पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी करेंसी में, लेकिन अभी भी कैपिटल अकाउंट पे बहुत ही पूरी तरह से उसको कन्वर्टेबल नहीं बनाया गया है। तारापुर समिति ने अनुशंसा की है कि अभी जब तक राजकोषीय घाटा को कंट्रोल नहीं किया जाए, तब तक पूंजी खाते पे, कैपिटल अकाउंट पे जो मनी है उसको पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं बनाया जाए, ये उनका कहना है। इसके अलावा भुगतान संतुलन में अगर बात करें तो बस ये देख लें, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्या है कि नए डाटा के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे या जो भी किताब में आ गया होगा डाटा, उसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिएगा कि किसके साथ भुगतान संतुलन पॉजिटिव है, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और किस देश के साथ भुगतान संतुलन निगेटिव है, यानी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसका रोल ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अमेरिका के साथ सबसे पॉजिटिव है हमारा, सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, चाइना के साथ सबसे खराब स्थिति है, सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। 40 या 48% के आसपास जो हमारा भुगतान संतुलन निगेटिव में जा रहा है ना, उसका एकमात्र देश जो है चाइना कारण है, तो इस तरह से उसको देख लीजिए। उसके बाद राजकोषीय, ये जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी और इसी के अंदर टैक्स भी आ जाएगा, TAX टैक्स, फिस्कल पॉलिसी के साथ टैक्स भी पढ़ना है, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर बजट भी पढ़ना होता है। खैर, तो पहले इसको हम लोग इस तरह से देख लेते हैं थोड़ा सा कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर फिस्कल डेफिसिट को भी देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को भी देखते हैं, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है यानी प्राथमिक घाटा क्या होता है, और प्राथमिक घाटे में अगर ब्याज को ऐड कर दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट से ब्याज को हटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा, बजट घाटा क्या होता है, इन सब चीज़ों को एक बार समझ लेना है।
ठीक है, एक बार समझ लेना और कुछ नहीं। और इसके लिए एक ये आया था ना, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसको FRBM एक्ट कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो राजकोषीय फिजिकल और रेवेन्यू डेफिसिट को धीरे धीरे कम करना था, टारगेट पूरा नहीं किया जा सका, टारगेट इसका पूरा नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक और कमेटी बना दी गई थी, एनके सिंह की कमेटी बना दी गई थी। अब उन्होंने फिर नया जो है वो दे दिया है, नया टारगेट दे दिया है। खैर यहाँ पे ध्यान रखना है कि टारगेट को कैसे पूरा किया जाए। उसके अलावा यहाँ पे टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स के अंदर टैक्स से क्वेश्चन UPSC में नहीं पूछा जाएगा। वैसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट, अब वो भी नहीं है, अब तो वो भी सिस्टम हट ही गया एक तरह से। अगर कुछ जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट में आता है, तो ये सब आप देख सकते हैं। उसके अलावा टैक्स का जो सिस्टम है, जैसे रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, तो इसको आप मेरे हिसाब से इसको देखना जरूरी नहीं है इसके अंदर। बस आप फिजिकल आपको ये करना है इसके अंदर, फिजिकल पॉलिसी के अंदर बस ये ध्यान देना है कि बजट आप देख सकते हैं, उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होता है यानी पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और फिजिकल डेफिसिट को ध्यान रखना है। इससे ही काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बजट, तो बजट तो आप इसी के अंदर बजट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बजट संविधान के अंदर क्या बजट का प्रोविज़न है उसको देख लेना है। और उसके अलावा जेंडर बजटिंग क्या होता है, जेंडर बजटिंग, आउटकम बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट क्या होता है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा वित्त आयोग, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वित्त आयोग यानी फिनेंस, वित्त आयोग के बारे में, फिनेंस कमीशन के बारे में क्या प्रोविज़न है ये पूछा जा सकता है। नया नीति आयोग, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग बन चुका है। सहकारी संघवाद के लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया है। दो चीज़ नहीं, यहाँ पे आप कब किया गया सिर्फ डेट याद रखिएगा, और इसके अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष तो ऑब्वियसली सबको याद होगा, मोदी जी हैं तो वही हैं प्रधानमंत्री साहब, उसके अलावा कौन कौन है वो करंट वो देख लेना है, और इसके अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं ये भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बन गया है तो यहाँ से भी मेंबर आएंगे इसके अंदर, तो मेंबरों की संख्या बढ़ जाएगी, बट इसको भी एक बार देख लेना है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति के अकॉर्डिंग सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं आएगा, डिफ्लेशन भी याद रखना है कि मुद्रास्फीति किस स्थिति में कहते हैं, क्या दुर्गा पूजा में या ईद के टाइम में अगर किसी खाने वाली चीज़ यानी फल फूल या किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो क्या उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, या कंटिन्यू कीमत में जो बढ़ोतरी होती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, RBI क्या करती है, सरकार क्या करती है, तो उस इन्फ्लेशन को ऐसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। उसके बाद पूंजी बाज़ार, तो पूंजी बाज़ार में क्या पढ़ना है, शेयर मार्केट। पूंजी बाज़ार और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर होता है कि कैपिटल मार्केट में बहुत कम समय के लिए लेन देन होता है, एक साल या इससे कम के लिए अक्सर होता है, और कैपिटल मार्केट में लंबे समय के लिए लेन देन होता है। और इसके अंदर दो तरह की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और ये जो नॉर्मली हम लोग आपस में जो शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, सेंसेक्स के बारे में जो जानते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। फिर प्राइमरी मार्केट जब पहली बार IPO किसी भी कंपनी का जारी होता है वो प्राइमरी मार्केट होता है, तो वो एक बार समझ लेना है। और प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एक बार ये देख लीजिएगा। खैर बिहार BPSC के PT के हिसाब से नहीं है, बट चाहो तो आप लोग देख लो। इसके अंदर स्टॉक मार्केट जैसे BSE सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी कहाँ है, फिरवानी समिति कमेटी के अनुशंसा पे कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बना उसके, और इस यहाँ पे एक फ्यूचर मार्केट वायदा कारोबार भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो वायदा कारोबार से रिलेटेड, ठीक है, फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड भी फैक्ट जो है आपको यहाँ पे देखना है, राइट। फ्यूचर मार्केट से भी रिलेटेड आपको फैक्ट यहाँ पे देख लेना है, और शेयर बाजार से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे बुल एंड बियर को भी देख लेना,
तेजड़िया और मंदड़िया दो फैक्ट है। तेजड़िया क्या होता है, बुल एंड बियर क्या होता है, ये आप देख लीजिए। शेयर की खरीद बिक्री कैसे किया जाता है, जीएसटी बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है। जीएसटी और जीएसटी परिषद, इन दोनों के बारे में एक बार देख लीजिएगा। जीएसटी का जो स्लैब है वो क्या क्या है, और मैक्सिमम जो फूड आइटम है जो खाने के और बहुत एसेंशियल आइटम है वो 5% के स्लैब में रखे गए हैं, बाकी फिर अलग अलग हैं। तो जीएसटी और जीएसटी काउंसिल क्या होता है, 101वां जो संविधान संशोधन है उसके अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। निवेश, निवेश मॉडल, तो एक तो निवेश मॉडल अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पे FDI और FII भी आप देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश। FDI एंड FII, इस दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन ज़्यादा बेहतर होता है, किसको प्रमोट करना चाहिए, कितना परसेंट कहाँ पे छूट दिया गया है, कहाँ पे रोका गया है। जैसे चिट फंड कंपनी, वहाँ पे FDI को अलाउ नहीं किया गया है। उसी तरह से बीमा कंपनी, ये जो बीमा की जो कंपनी है वहाँ पे भी 49% से ज़्यादा FDI नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दे दिया गया है, जैसे GDP, GNP, NNP, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर इसको कर लेते हैं एक जगह, तो एक जगह अगर कर लेते हो तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। यही करना है, और उसके अलावा जो मैक्सिमम हिस्सा होगा, इसके अलावा जो मैक्सिमम हिस्सा होगा वो करेंट अफेयर्स से होगा, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। और मैंने जितना बताया, इकोनॉमिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा भारी लगता होगा, थोड़ा लगता होगा कि यार क्या 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 इतना जल्दी बोल दिया है। लेकिन आपको सोचना नहीं है, आप आराम से एक एक टॉपिक को करते चले जाएंगे, और जब समझ लोगे ना कुछ बेसिक टर्म्स को, उसके लिए आपको 11th की NCERT आप ले सकते हैं, या किसी की भी किताब ले लीजिए ना, किसी का भी बुक ले लो, इवन PD का जो सप्लीमेंट्री आता है ना इकोनॉमिक्स का, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यही है, और इसके अलावा कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट कर देना, वहाँ पे फिर हम लोग उसको देखेंगे।